के न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। आइए एक नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन खबरों पर। लॉकडाउन किया गया है, तब से लोगों के अंदर अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए लोगों की मची होड़। अब खबर विस्तार से। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। जब से देश के प्रधानमंत्री ने देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन किया है, तब से लोगों के अंदर अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए होड़ मची हुई है और राज्य की सभी सरकारों ने अपनी अपनी सीमाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर केके न्यूज 24 ने अपनी पड़ताल में देखा कि जब लोग अपने घरों के लिए पैदल ही प्रस्थान कर लिए हैं, तब उनको उनके गंतव्य तक जाने के लिए रास्ता बताने का कार्य उत्तर प्रदेश और बिहार की पुलिस भी कर रही है। इसी दौरान बिहार के बॉर्डर पर लगे एक थाने की पुलिस से केके न्यूज 24 की बातचीत के तथ्य आपके सामने हैं। केके न्यूज 24 कुशीनगर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव। ये समाज अपना कोरोना से जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश का माहौल है, यहाँ से आवागमन का क्या हिसाब किताब है भाई। यहाँ बॉर्डर सील करके खड़े हैं, इसको इसका क्या कारण है? दूसरे बॉर्डर अगर कोई आता है पैदल जागरूक किया जाता है कि अगर आपका कहीं ज्यादा तकलीफ है तो घर पहुँच हॉस्पिटल में पहुँच करके जाँच कराएं, अपने घर में प्रवेश करें। KK News 24